सत श्री अकाल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसी देख रहे हो मैं हाँ थोड़े नाल परमवीर सिंह औलख ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर के नाल। पंजाब च कोरोना का कहर लगातार जारी है तो पिछले 24 घंटे च कोरोना के 6812 मामले सामने आ चुके हैं। पंजाब च कोरोना के 54,954 एक्टिव मामले ने। कोरोना कारण हुण तक 8,909 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि हुण तक कोरोना तो 3,01,047 लोग ठीक हुए ने। ग्राफिक्स के जरिए दर्शक देख सकते हैं कि कड़े कड़े जिले किन्ने नवे मामले सामने आए हैं जबकि SBS नगर के 53 मामले ने, जलंधर 502, पटियाला 595 मामले ने, लुधियाना 1350, SS नगर 888, अमृतसर 478, गुरदासपुर 201, कपूरथला 142 मामले सामने आ चुके हैं। तो हुशियारपुर तो 284 मामले सामने आए ने, फिरोजपुर 97 ने, तो इसे दे नाल जेकर गल की जाए संगरूर की 165 मामले ने, रूपनगर के 146, मोगा च 97, फतेहगढ़ साहब 58, बठिंडा च 55 मामले ने, जबकि फरीदकोट के 148 मामले सामने आए। तरन तारण की गल की जाए 53 मामले ने, पठानकोट के 146, बरनला 55, श्री मुक्तसर साहब 355, फाजिलका 265, मानसा 216, बठिंडा 515, फरीदकोट के 148 मामले सामने आए। सो कोरोना के हालातों को लैके लगातार साढ़े पत्रकार भी साढ़े जुड़ रहे हैं। गुरदासपुर तो परमवीर ऋषि साढ़े नाल जुड़े हुए हैं ते तरन तारण तो मनीष शर्मा। सब तो पहलों रुख करांगे तरन तारण का। मनीष, जेकर गल की जाए नाइट करफ्यू की, समा वधा दिता गया है, हालांकि कोरोना काल दे विच जो व्यापार है वह भी कितने ना कितने खराब होंदा दिखाई दे रहा है। दुकानदार जो है वह मंशा जाहिर कर रहे हैं कि जो सरकार है लॉकडाउन जो नाइट करफ्यू का समा थोड़ा ज़्यादा करे, यानी कि 9 बजे तो बाद करे ताकि जो ग्राहक ने वह 5-6 बजे आके अपना समान जरूर लै सकन। किवें देखते हो जेकर हालात की गल करते हैं तरन तारण की, तो जमीनी पद्धर से की हालात ने ते प्रशासन दी की तैयारियां ने? मामले वधदे जा रहे ने, लेकिन जे आपां गल करिए जिस तरह कि नाइट कर्फ्यू लगाना पिया मजबूरी सी सरकार दी, जो हालात जो वधदे जा रहे थे उस चीज़ में समा भी वधाया गया। हालांकि दुकानों नूं जरूर दुकानदारों नूं जरूर परेशानी का सामना करना पै रहा है। उन्होंने कहना कि गर्मी के दिन ने जो कस्टमर ने भी दोपहरी निकलते हैं, दोपहरी नहीं निकलते हैं शामी निकलते हैं, शामी थोड़ा ज्यादा ज्यादा समा बढ़ाना चाहिए, ढिल देनी चाहिए है। लेकिन दूजी तरफ आप देखिए सख्ती करनी भी जरूरी होंगी जा रही थी क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे थे। सब तो हैरान करने वाली जी चीज़ा थी कि जो मौतों का आंकड़ा से वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस चीज़ को देखते हुए जो ने नाइट कर्फ्यू का लगता सरकार को फैसला करना पाया। फिलहाल जो ने कर्फ्यू आधा घंटा पहले जो दुकाना बंद करा दी जाए, उस तो बाद नाइट कर्फ्यू जरा उस तो बाद हौली हौली जरा पूरा खाली हो जाता है। लेकिन आप गल करिए कोविड के मामलों की, दूसरी तरह जो प्रशासन जरा इंजेक्शन जी वैक्सीनेशन है वो भी लगातार बढ़ा रहा है। वैक्सीनेशन लगातार बढ़ाई जा रही है। जो 45 साल तो उपर से उन्होंने वैक्सीनेशन काफ़ी हो चुकी है तरन तारण। इसको अलावा जो कोविड की गल करिए, कोविड के इस वे जो ने 53 जो मामले ने 24 घंटे के सामने आए हैं, लगातार सामने आ रहे हैं। उस तो अलावा जो ने एक होर जो परम हैरान करने वाले मामले ने कि पिंडा तो भी जो लोग जो ने हूँ कोविड पॉजिटिव जो ने पाए जा रहे हैं, जबकि पहले शहर से यदि संख्या ज्यादा सी जी। परम जे गल की जाए मनीष, तुसी तां हस्पतालां दे विच जांदे रहिंदे हो, गलबात करदे रहिंदे हो डॉक्टरां दे नाल ते जायजा भी लैंदे रहिंदे हो हस्पतालां दा। हालांकि जेकर तरन तारण दे हस्पतालां दी गल कीती जावे तां की हालात ने, की बैड हैगे ने लोकां लई जो करोना मरीज़ ने? जेकर ऑक्सीजन दी गल कीती जावे, काफ़ी किल्लत आ रही है देश भर दे विच, ते उस नूं लै के ऑक्सीजन नूं लै के जेकर कल नूं हालात विगड़दे ने तां की प्रशासन दीआं तैयारियां मुकम्मल ने? जी बिल्कुल। पर इतों के जो सिविल सर्जन ने डॉक्टर रोहित मेहता, उन्होंने साड़ी गल हुई थी, उन्होंने कहना कि आप बैड की व्यवस्था पूरी की हुई है, लेकिन जो मोस्टली पेशेंट जो ने इतों अमृतसर रैफर हो जाते हैं क्योंकि अमृतसर नजदीक है, अमृतसर जाना चल जाते हैं। हालांकि साढ़े को बैड की व्यवस्था, लेकिन अमृतसर से उतो जो पेशेंट ज्यादा एडमिट हो रहे हैं। जो ने सरकारी हस्पताल के नाल जो निजी हस्पताल उन्होंने भी अलर्ट किया गया, उन्होंने भी तैयार किया गया।
जिथे जिथे ऑक्सीजन की कमी है प्राइवेट हस्पतालों ने कहा कि वह भी दसन, जे सरकारी हस्पताल ने उन्होंने भी ऑक्सीजन जे ने लगातार मंगवाई जा रही है, जे पेशेंट्स एडमिट ने उन्होंने ऑक्सीजन की फिलहाल इतने तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, हजे तक कोई यह मामला सामने नहीं आया कि किसी पेशेंट को या मरीज को जी ऑक्सीजन या बेड की दिक्कत हुई है। लेकिन बिल्कुल मनीष साढ़े बने रहना, साढ़े परमवीर ऋषि भी जुड़ चुके ने गुरदासपुर तो, उन्होंने रुख करते हैं। परमवीर जेकर गल की जाए गुरदासपुर की सरहदी खेत्र है तो मैं थोड़े पिछे देख रहा सीगा काफ़ी भीड़ मैनू दिखाई दी है, काफ़ी ट्रैफिक दिखाई दिता है कि लोग जागरूक नहीं ने बिना काम तो, हालांकि कहा गया है कि बाहर ना निकलो जेकर कोई जरूरी काम है तो बाहर निकलो, किवें देखते हो ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਵੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ सरकार ते प्रशासन दा जिहड़ी जिम्मेवारी है, पुलिस प्रशासन दी जिम्मेवारी है, पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन दोवें रल के इन्हां लोकां नूं जागरूक करन दी कोशिश ते कर रहे ने, लेकिन इह रोकदे नहीं। हो सकदा कि जिहड़े जागरूक करन दी प्रक्रिया है उह लोकां नूं समझ नहीं आ रही, लेकिन लोग हालांकि मास्क पहन के बाहर निकल रहे ने। और तुहानूं इक चंगी खबर जिहड़ी गुरदासपुर दी इह वी दे दईए कि गुरदासपुर दे जिहड़े शहर दे इलाके ने, जिस तरह गुरदासपुर बटाला कादिया जिहड़े इस तरह के शहर ने, इन्हां विच 85% जिहड़े 45 साल तों उपर दे लोक ने उन्हां दी वैक्सीन हो गई है, और यही कारण है कि इन्हां शहरी खेत्रां दे विच जिहड़ा कोरोना दा प्रकोप जिहड़ा थोड़ा घटिया। हालांकि 170 जिहड़े मरीज ने पूरे जिले दे विच ने, और इहदे चों ज्यादातर मरीज जिहड़े ने इह पेंडू खेत्र दे ने। हुण प्रशासन ने इस पेंडू खेत्र दी जिहड़ी है उधर और इस नूं लैके हुण जिहड़े ने पेंडू खेत्र दे विच जिहड़े स्वास्थ कर्मचारी ने उह जगह जगह ते कैंप लगा रहे ने, जिस तरह गुरद्वारा साहब होवे जां कोई धार्मिक स्थान होवे, सार्वजनिक स्थान होवे, उत्थे वैक्सीन जिहड़ी है उह लग रही है। और जिहड़ी दसी जा रही सी कि जिहड़ी 18 साल तों उमर दे बाद जिहड़े ने उहनां नूं वैक्सीन जिहड़ी हुण लगेगी, हालांकि इह चीज़ डिले हो गई है, लेकिन 6,43,000 लोग ने जिहड़े 18 साल और उपर ने उन्हां नूं वैक्सीन लगाई जाणी है। जब तक वैक्सीन आएगी तब तक इन्हां नूं जागरूक करना सरकार दा काम है, प्रशासन दा काम है, क्योंकि पहला देखण नूं मिलिया कि देहात एरिया दे विच वैक्सीन नूं लैके लोग जिहड़े ज्यादा जागरूक नहीं आ और घबराउंदे ने। लोकां नूं घबराउण दी लोड़ नहीं हैगी, एहतियात वरतो और वैक्सीनेशन लवाओ तां ही कोरोना तों बचा जा सकदा जी। जी परमवीर, जेकर गल कीती जावे तां सूबे दे विच कई थाईं जो वैक्सीनेशन की घाट है, क्योंकि एक एक डोज तो लोगों ने लै ली है, तो दूजी डोज वेले कितें ना कितें जो घाट वैक्सीनेशन की देखने को मिली है कि गुरदासपुर के भी यही हालात ने, तो जेकर 18 साल तो वध उम्र के लोगों की गल की जाए 1 मई को, यानी कि भलके उन्हां दी वैक्सीनेशन है जो शुरू होने जा रही है देश भर के, तो की उसनू लैके प्रशासन दी तैयारियां मुकम्मल ने? हालांकि वैक्सीन आउंदी है या नहीं आउंदी वो बाद दी गल है, पर तैयारियां मुकम्मल ने? ज्यादातर एरिया जिहड़ा 75% लोग जिहड़े ने साडे देहात विच रहिंदे ने, उहनां नूं हले 45 साल तों उमर दे वध वाले जिहड़े ने उहनां नूं वैक्सीनेशन नहीं लगी, ते 18 साल तों उपर वाले नूं किस तरह लगेगी? हालांकि प्रशासन पुख्ता दावे कर रहा है उहनां दी तैयारी मुकम्मल है, जदों ही वैक्सीन आएगी उस वेले लगनी शुरू हो जाएगी, लेकिन जदों 45 साल तों उपर वाले नूं नहीं लग सकी हजे तक 100%, तां इह 18 साल तों उपर वाले नूं किस तरह लगेगी इह ते आउण वाला समां दसेगा जदों वैक्सीन आएगी। लेकिन जिस तरीके का प्रशासन दावा कर रहा है उहदे अनुसार तां जिहड़ी वैक्सीन आउंदिआं ही सारे लोकां नूं लगनी शुरू हो जाएगी, और उहदा दावा है कि तैयारियां जिहड़ियां पूर्ण कर लईआं है, सिर्फ वेट जिहड़ी कीती जा रही है उह वैक्सीन दी कर दित्ती जा रही है। हालांकि अगर गल करिए जिहड़े बिल्कुल बाकी
जी बिल्कुल परमवीर तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं अहम जानकारी दित्ती ते मनीष तरन तारण तो साडे पत्रकार ने उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं अहम जानकारी दित्ती जमीनी पद्धर ते की हालात ने, सरकार कित्थे खड़ी है ते करोना नूं लै के की लामबंध किया गया है, क्योंकि वैक्सीनेशन है वह भलके शुरू होण जा रही है 18 साल तो वध जो लोग जो उम्र वर्ग के लोग ने। अगली खबर का रुख करदे हां, लंबी थाने दे विच सुखबीर सिंह बादल खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, कोरोना नियमों की उल्लंघना का यह मामला दर्ज किया गया। तुहानू दस दिए कि रॉबिन बराड जो ने उन्होंने SOI का प्रधान चुनिया गया बनाया गया, तो इस दौरान एक वड्डा इकट्ठ होया सीगा सुखबीर सिंह बादल दे ग्रह विखे एक वड्डा इकट्ठ होया सीगा, जिसनू लैके सुखबीर सिंह बादल सने कई लोगों के उत्ते मामला दर्ज किया गया। तो सीएम कैप्टन की केंद्रीय किरत मंत्री नूं चिट्ठी लिखी गई है, सीएम कैप्टन ने केंद्रीय किरत मंत्री संतोष कुमार नूं एक पत्र जारी किया है, सनअती कामियां लई मुफ्त वैक्सीनेशन की मांग की गई है। उन्होंने कहना है कि जो लाभपात्री ने उन्होंने रजिस्टर्ड लाभपात्री ने उन्होंने लाभ मिले, इस लई सनअती कामियां नूं मुफ्त वैक्सीनेशन लवाउण की मांग की गई। सो इस दे विचाले बलबीर सिद्धू सेहत मंत्री उन्होंने वड्डा बयान सामने आया, पंजाब नूं केंद्र नहीं भेजी कोई वैक्सीन, यह कहना बलबीर सिद्धू का 1 मई तो 18 साल तो वध उम्र वालों नूं वैक्सीनेशन के आसार घट ने, ते पंजाब च वैक्सीनेशन पहुंचने की संभावना जो असंभव है, जो 18 साल तो घट उम्र वालों नूं वध उम्र वालों नूं जो लगनी है वैक्सीनेशन, उसे नूं लैके सेहत मंत्री का वड्डा बयान सामने आया है। उन्हां दा कहना है कि जो 18 साल तो उम्र के वध लोगों 1 मई तो वैक्सीनेशन लगन जा रही है, उस विच आसार घट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि केंद्र पहला ही पंजाब नूं वैक्सीनेशन नहीं भेज रहा, जो कि दूजी डोज लोगों नूं हले लगन वाली है। जिसने इसको रोकना है वो भी हमारे को पूरी मात्रा में शेड्यूल के हिसाब से नहीं मिल रही, बड़ी कम मिल रही है, उसी कारण हमारा जो काम है उसमें बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं। हमारे पास स्टाफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने सेंटर बना रखे हैं, प्लस हम कैंप्स लगा रहे हैं, लेकिन जेकर हमारे पास वैक्सीन पूरी आ जाए तो हम सारे लोगों को वैक्सीनेट करके तो हम इससे काफ़ी मैं कहता हूँ निजात पा सकते हैं। हमारे पास वैक्सीन हुई तो भी लगाएंगे, अगर होएगी तो कैसे लगा देंगे। तो कोरोना के चलदियां चंडीगढ़ प्रशासन ने सख्ती वधा दी है, चंडीगढ़ च शाम 6 बजे तो सवेरे 5 बजे तक नाइट करफ्यू जारी रहेगा, कोरोना नूं लै के ये हुक्म जो ने जारी कर दिए गए हैं। चंडीगढ़ च वीकेंड ते रहेगा पूर्ण तौर पर लॉकडाउन। तुम दस दिए कि पंजाब दे विच भी जो समा बदलिया गया है इसे नूं लै के चंडीगढ़ च भी समा बदल दिता गया है। प्रशासन वालों नाइट करफ्यू का समा बदलिया गया, तो थोड़ा दस दिए 6 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक वीकडेज लॉकडाउन जोड़ा है या नाइट करफ्यू कही रहने वाला है, शाम को सवेरे जोड़ा है 5 बजे तक रहेगा, शामी 6 बजे तो लैके जे वीकडेज की गल करिए इन्ना रहेगा, पर वीकेंड की गल करिए शामी 5 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक जोड़ा है वो नाइट करफ्यू रहने वाला है। पर तस्वीर इतने दिन तुम्हें दिखा दें, सैक्टर 35 दियाँ जिहड़ा कि सैक्टर 17 सैक्टर 26 तो उस तो बाद सैक्टर 35 एक दिल मनिया जाता है, सब तो ज़्यादा नाइट लाइफ जो गल करिए ईवनिंग की गल करिए इतें ही रही है, पर चहल पहल इतने रही है, कल तक चहल पहल इतनी होंगी सी, पर हूँ क्योंकि नाइट करफ्यू जो ला दिता गया है समा 6 बज चुके हैं, तो तस्वीर तुम देख सकते हो किस तरीके सारिया दुकाना जीडिया ने सिर्फ एसेंशियल सर्विस वाली छड के बंद पईआं ने, क्योंकि लोग भी ये चीज़ समझ रहे हैं कि किन्नी खतरनाक जड़ा है वो स्ट्रेन इस वक्त देश है, तो किस तरीके किन्ने ज़्यादा केसिस सामने आ रहे हैं जिड़ी कि काफ़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, ना सिर्फ लोगों बल्कि प्रशासन लिए, क्योंकि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि केसिस किन्ने घट सकते हैं, पर जिस तरह केसिस वधते जा रहे हैं प्रशासन नाइट करफ्यू तक तो पहुँच गया, अगे लॉकडाउन ना लगे इस करके लोगों को पहले ही समझ की लड़ है कि जो स्ट्रेन है काफ़ी खतरनाक है, ना सिर्फ चंडीगढ़ की गल करिए मोहाली के पंचकूला भी इसी तरीके जोड़ा है वो 6 बजे नाइट करफ्यू पहले ही कर दिता गया, पर हूँ चंडीगढ़ प्रशासन वालों भी जोड़ा है वह 6 बजे तो नाइट करफ्यू कर दिता गया। इस थोड़ा होर भी दस दें, जिनी भी सोशल रिलीजियस या पब्लिक गैदरिंग है उन्होंने बैन कर दिता गया,
जे विआह की गल करिए विआह समारोह की गल करिए सिर्फ 50 लोग हिस्सा ले सकते हैं। उस तो पहला प्रशासन तो जी परमिशन लेनी पेगी। जे किसी के संस्कार की गल करिए 20 तो वध लोग जो उस शामिल नहीं हो सकते। तो जिन्हें भी सरकारी दफ्तर ने सिर्फ तो सिर्फ 50% जी पॉपुलेशन है वो काम करेंगे, उस तो वध काम नहीं कर सकते। ये सारी गाइडलाइनस इस करके दी गई हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशानी जी है वो ना सिर्फ प्रशासन आ रही है क्योंकि केसिस वध रहे हैं, पर प्रशासन आही कोशिश कर रहे कि कोरोना किसी न किसी तरीके ठल पाई जा सके। कैमरामैन धर्मवीर बजम वर्मा, जी मीडिया चंडीगढ़। 1 मई तो 18 साल तो 45 साल की उम्र के लोगों लिए वैक्सीनेशन की की प्रक्रिया शुरू हो जा रही है, पर लुधियाना प्रशासन वालों जो मुकम्मल तैयारियां नहीं की गई। जो इस बारे सरकारी अदारिया जो अधिकारी ने अदारिया के अधिकारी ने उन्होंने गलबात की गई तो उन्होंने कहा कि अजे तक उन्होंने को वैक्सीन का कोई स्टॉक नहीं पहुँचा, जिस कारण उन्होंने फिलहाल 18 तो 45 साल तक टीकाकरण के कैंप रोके ने। तो मोगा जिला प्रशासन वालों ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने लिए सख्त कदम चुके जा रहे हैं। हुण हस्पतालों के ऑक्सीजन सिलेंडर जिला प्रशासन की निगरानी में भेजे जाएंगे। होर ते होर मोगा शहर के सारे ऑक्सीजन सिलेंडर वाली दुकानों के सिलेंडर चुकवा के प्रशासन ने एक थान पर डंप कर दिए ने। साहब वालों अज हुक्म होए आ कि इतने फोकल पॉइंट एक हैगी जगह एक इंडस्ट्री हैगी, उत्थे सारे जिन्हें भी है सिलेंडर चाहे नाइट्रोजन के ने चाहे ऑक्सीजन के ने चाहे वह है आ जोड़े इंडस्ट्रियल ने वो एक जगह पर इकट्ठे होतों ही प्रशासन जोड़ा इन्हें रीफिलिंग करवाएंगे तो उतों जो वापस आने उन्होंने देख रेख के हेठ ही ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इन्हें एक पासे कोरोना करके ऑक्सीजन की मारामार हो रही है तो दूजे पासे दिल्ली कमेटी वालों पहल करदियां दिल्ली विच मुफ्त ऑक्सीजन की सेवा दी जा रही है। जाहिर है कि इसका लाहा कई लोग लै रहे हैं, कई लोगों की जान भी बच चुकी है। ये गुरुद्वारा दमदमा साहब है जो कि निजामुद्दीन पे है, निजामुद्दीन स्टेशन के बिल्कुल साथ है गुरुद्वारा दमदमा साहब। यहाँ पे उन लोगों के लिए फ्री ऑक्सीजन सेवा दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी द्वारा चलाई जा रही है। जो लोग घरों में बीमार हैं जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है और हम उनको यहाँ पे फ्री ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो भारत च कोविड-19 कारण हो रही मौतों का मुद्दा यूके की संसद च गूंजा है। MP तनमनजीत सिंह ढेसी ने यूके पार्लीमेंट च यह मुद्दा चुकया है। भारत च अपने सके संबंधियों लोगों बारे चिंता जाहिर की है, भारत च ऑक्सीजन की घाट का भी मुद्दा चुकया गया है।